खबरों के लिहाज से 1 फरवरी का दिन काफी अहम होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है। इस दिन एक नहीं बल्कि 3-3 बड़े इवेंट होने वाले हैं, और वो इवेंट क्या है वो बताएंगे अभिनव राव। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि 1 फरवरी को देश का आम बजट सभी के सामने पेश होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट सबके सामने रखेंगे, और इस बजट से लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के आम चुनाव से पहले ये पहला फुल फ्लेज्ड बजट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि उपचुनाव जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में, वहाँ के नतीजे भी 1 फरवरी को ही आएंगे। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में वहाँ का जो रिजल्ट होगा वो बताएगा कि बीजेपी की जमीन वहाँ पर अभी भी बरकरार है या थोड़ी बहुत फिसल गई है। यानी कि इन दो इवेंट पर काफी बड़ा दूरगामी प्रभाव जिसे कहते हैं वो पड़ने वाला है। जी, तीसरा जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज। 1 फरवरी को पहला वनडे मैच खेला जाएगा डर्बन के किंग्स मीट मैदान पर। 6 मैचों की ये वनडे सीरीज है, और अगर डर्बन में भारत का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बेहद ख़राब है, तो विराट कोहली के लिए एक तरीके से ये अग्नि परीक्षा है। तो ये सब 3 इवेंट हैं जो 1 फरवरी को आप सभी को देखने को मिलेंगे। मतलब खबरों के लिहाज से पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है, तो पैनी नज़र बना के रखिएगा। सर, हाल ही में हमने देखा कि अभी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली गई यूपी के कासगंज में, और उसके बाद झड़पें हो गई और उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लेकिन हम फिर सुन रहे हैं कि यूपी में कुछ जगहों पर तिरंगा यात्रा फिर से निकाली जा रही है, तो सर हमें बताएंगे कि तिरंगा यात्रा कहाँ कहाँ निकाली जा रही है, क्यों निकाली जा रही है? रोहित, अब ये तिरंगा यात्रा ने राजनीतिक रूप ले लिया है, इसीलिए आज आगरा और फिरोजाबाद में कई जगहों पर, आगरा में 40 से ज्यादा स्पॉट्स थे जहां पर बाइक पर सवार युवक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, फिरोजाबाद में पैदल युवकों की टोली, और ये वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं तिरंगा जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। खास बात ये कि इन तिरंगा यात्राओं के दौरान जो है अब वो सेंसिटिविटी को, कासगंज में चूंकि एक लड़के की मौत हो गई थी तो वो सेंसिटिविटी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम रखने पड़ते हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल मौजूद रखने पड़ते हैं, तो उससे जो शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आगरा और फिरोजाबाद में आज ये यात्राएं निकाली गई। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये यात्राएं निकाल के जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें छिपे हुए संदेश तो काफ़ी हैं, हम उनमें नहीं जाते हैं, लेकिन आगरा और फिरोजाबाद की तिरंगा यात्रा के बाद ये तमाम लोग अपने अपने शहरों के DM के पास जाएंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे, उन्हें एक मेमोरेंडम देंगे और ये मांग करेंगे कि कासगंज में जो चंदन नाम के युवक की मौत हुई थी उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और चंदन के परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। एक सबमरीन जिसने हमारे देश की 34 साल तक सेवा की और 2003 में रिटायर हो गई, लेकिन अब वो फिर वापस आ रही है, क्यों कौशिकी? बिल्कुल, सबमरीन करंज नए अवतार के साथ वापस आ रही है। लेकिन इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये जो नया अवतार होगा वो बिल्कुल स्वदेशी होगा। अच्छा। कहने का मतलब इसको मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है, इसको नया लुक दिया गया है और नए तकनीकों से लैस किया गया है। जैसे कि इसमें कई खास बातें हैं, लेकिन सबसे खास बात वो ये है कि ये दुश्मनों पर तो निशाना लगा सकती है, उनका खात्मा कर सकती है, लेकिन ये खुद किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकती है, और इस तरीके से ये समुद्री सीमाओं की निगरबानी करके हमारे देश की रक्षा करने को बिल्कुल तैयार है। केंद्र सरकार ने नारंगी पासपोर्ट जारी करने का फैसला वापस ले लिया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ECR कैटेगरी के लोगों के लिए नारंगी पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया था। ये पासपोर्ट नीले रंग का होता है और इसका ये रंग ऐसे ही बरकरार रहेगा। साथ ही सरकार ने जो फैसला किया था कि इसके आखिरी पन्ने पर छपे एड्रेस को हटा दिया जाएगा, तो ये फैसला भी वापस ले लिया गया है। अब इस पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आपका एड्रेस बरकरार रहेगा। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.1 बताई गई। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश एरिया बताया गया। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।